सरहद में शहीद हुआ जवान, लेकिन 72 घंटों से पार्थिव शरीर नहीं पहुंचा घर। शहीद के परिजनों में फैला आक्रोश। देश की सरहद ने जब भी लहू मांगा है, तब तब पहाड़ के वीर जवानों ने अपने लहू से सरहद पर देश की हिफाजत की है। इस दौरान पहाड़ के कई जवान शहीद भी हुए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादी हमले ने देश से वीर जवानों को छीन लिया, जिनमें से एक कोटद्वार निवासी गौतम और चमोली के वीरेंद्र सिंह भी पुंछ में शहीद हो गए। जवानों के बलिदान का समाचार मिलते ही प्रदेश में मातम छा गया। आपको बता दें कि शहीद गौतम ने 16 दिसंबर को ड्यूटी पर वापसी की थी। अगले साल 11 मार्च को उनकी शादी तय थी। इन दिनों घर पर शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। गौतम को शहीद हुए तकरीबन 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन 72 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक शहीद गौतम का पार्थिव शरीर उनके निवास पर नहीं पहुंचाया गया है, जिस कारण परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। परिजनों का आरोप है कि प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा अभी तक उनके घर पर उनका हालचाल जानने नहीं आया, ना ही विधानसभा अध्यक्ष अभी तक उनके आवास पर पहुंची है। लगातार सेना के कैंप से फोन किया जा रहा है कि परिजन जम्मू आए। किस हालत में परिवार है, किस हालत में यहाँ लोग हैं, क्या है यहाँ, तो क्या क्या नहीं होना चाहिए था, एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ होना चाहिए था। आपको बता दें कि कोटद्वार के शिवपुर निवासी 29 वर्षीय गौतम कुमार 2014 में गोचर में हुई सेना भर्ती में प्रतिभाग कर सेना का हिस्सा बने थे। नवासी आर्म रेजिमेंट में राइफलमैन के पद पर कार्यरत गौतम की तैनाती इन दिनों जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के रजौरी सेक्टर में थी। गुरुवार दोपहर पुंछ के बकलियास क्षेत्र में आतंकवादियों ने सेना के 2 वाहनों पर घात लगाया, इसमें गौतम भी शहीद हो गए। 3 महीने बाद ही गौतम की शादी थी। वहीं 2 साल पहले ही उनके पिता का निधन हुआ, जो कि शिक्षा विभाग में थे। शहीद के निधन से कोटद्वार निवास पर मातम का माहौल है। वहीं कोटद्वार एसडीएम का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए। देखिए, इसमें जो है, जो गौतम कुमार हैं वो वहाँ शहीद हुए हैं, और उसी के दृष्टिगत हम लोग यहाँ आए हैं। और जो उनके परिजन हैं, उनके परिजन 4 लोगों को चॉपर के माध्यम से जो है वहाँ भेजा जा रहा है। चूँकि एक ये बताया गया कि वहाँ से आदेश ही मिला है कि वो पहचान के लिए जो है उनको बुलाया जा रहा है। चॉपर कहाँ से उपलब्ध करवाया गया? ये जॉली ग्रांट से। शहीद गौतम के परिवार में उनका बड़ा भाई, 2 बहनें और माँ है। माँ की आंखों का तारा बुझ चुका है, माँ होश गवा बैठी है। वहीं शहीद के भाई ने पार्थिव शरीर को निवास पर पहुंचाने में हो रही देरी पर काफी आक्रोश जताया है। सूचना ये मिली कि वो शरीर नहीं दे रहे, बोल रहे कि बॉडी आप यहाँ आ जाइए, अंतिम संस्कार वहाँ कर दीजिए, और शासन प्रशासन हमारे साथ नहीं है, कोई भी किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। डीएम एसडीएम कुछ नहीं, कोई नहीं आया कल से, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं है। डीएम फोन नहीं उठा रहा है। बनाया जा रहा है कि आप यहाँ आइए, यहाँ आइए, बार बार यहाँ के प्रेशर बनाया जा रहा है, आप यहाँ आइए। ऐसी स्थिति में वो उसकी माँ है, 3-4 वर्ष को ऑलरेडी की प्रॉब्लम है, पहले ही ऑलरेडी वो बीमार चल रही है। ऐसी स्थिति में कोई घटना घट गई तो हम क्या करेंगे, कौन इस बात का कौन जिम्मेदार होगा। गुरुवार की दोपहर हुए इस हादसे ने देश के होनहार जवानों को छीन लिया। वहीं कई घरों के चिराग बुझ चुके हैं। इस वक्त देश शहीदों की शहादत से गमगीन है। पुंछ में शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि। कोटद्वार से विकास वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।